वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो स्क्वाड अटैक होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 200% स्क्वाड अटैक, इसका काम क्या है एंड वॉर में इसका रोल क्या होता है। एंड ये देखो, ये सभी हीरोज़ के ऊपर लिखा हुआ है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी होगी। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये चीज़ आप जब वंडर्स वॉर करते हैं उसमें भी काम आती है, एंड अगर आप रैली डिफेंड करते हैं उसमें भी काम आती है, या आप सोलो अटैक कर रहे हो, रैली अटैक कर रहे हो तो उसमें भी काम आती है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि ये हीरो है पेगासस, ये इन्फेंट्री का हीरो है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 200% स्क्वाड अटैक देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो देखो मेरा इन्फेंट्री का स्टैट है इस टाइम पे 411, ओके, तो वो 200% मतलब इसका डबल देगा, 1800% एनिमी की ट्रूप्स को डैमेज देगा, ठीक है। अगर हम एक हीरो इन्फेंट्री का डालते हैं बैटल में, ठीक है, अगर हम दो हीरो डालते हैं इन्फेंट्री के, देखो ये दो डाल दिए तो उतना ज़्यादा अटैक बढ़ेगा। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता कि स्कोर क्या होती है, ये देखो, ये जो मैंने इन्फेंट्री का फेलेंस है, इसमें जो फर्स्ट फोर लाइन्स बनी हुई है, चार इन्फेंट्री की शील्ड बनी हुई है, इसका एक शील्ड का मतलब ये है कि एक स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे चार बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्कोर के लिए एक अलग हीरो होगा। देखो, अगर हम इन्फेंट्री ब्लास्ट मार रहे हैं तो ठीक है, तो उसमें देखो हम जो हमारी इन्फेंट्री की ट्रूप्स होती हैं उसमें हम पांच हीरो डालते हैं इन्फेंट्री के, बट यहाँ तो चार स्कोर बनी हुई है। किसी में भी देख लो, अगर इन्फेंट्री का अगर हम ब्लास्ट मार रहे हैं, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, कोई मर्जी लाइनअप से मारते हैं तो उसमें चार स्कोर बनी होती है। चार स्कोर में एक एक हीरो यूज हो जाता है, पर पांचवा जो हीरो होता है वो पीछे खड़ा रहता है, ठीक है। मतलब उसके पास अपनी खुद की स्कोर नहीं होती, बट उसके पास उसका जो स्टैट होते हैं वो काम करते हैं। ये तो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये रहा मेरा बटालियन। इसमें देखो, इन्फेंट्री में मैंने पाँचों के पाँचों इन्फेंट्री वाले हीरो डाले हुए हैं। हालाँकि चार स्कोर होती हैं एंड पाँचवा हीरो उसमें काम नहीं आता लड़ने में, बट उसका जो बूस्ट होता है स्टिल कैलकुलेट होता रहता है, ठीक है। एडम देखो, अब वॉल पे अब इसका रोल क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये 200% स्क्वाड अटैक लिखा हुआ है, इसका मेन मतलब क्या होता है। देखो, मान लो आप रैली डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, तो देखो आपकी वॉल पे कौन से हीरो होने चाहिए। अगर आपके पास इक्वल ट्रूप्स हैं, 5 मिलियन ईच इन्फेंट्री है, रेंज एंड कैव है, तो अगर आप आपके ऊपर रैली हो रही है एंड आप उसको काउंटर करना चाहते हो, मतलब आपके ऊपर कैव की रैली हो रही है, ठीक है, और एंड आप इन्फिंट रेंज में आ गए, ठीक है, अगर आपकी वॉल पे एक ही रेंज का हीरो होगा तो आपको थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा होगा। मान लो देखो, जो मेरे अभी हीरो लगे हुए हैं, देखो ये लॉर बीवर भी क्या है, कैव का है, ये वॉचर इन्फेंट्री का, बसरकर भी इन्फेंट्री का, रोज नाइट कैव का, ये जो सोंग्रेस ऑफ सी है ये क्या रेंज का। अगर इस कॉम्प इस हीरोज़ के साथ अगर मैं कैव की रैली लेता हूँ अपनी कैसल के ऊपर, यहाँ पे देखो सिर्फ मेरा एक हीरो है रेंज का, तो मतलब पूरी की पूरी मेरी कैसल की रेंज होगी, सिर्फ एक हीरो मेरा संभाल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ जो एनिमी की पूरी रैली हो रही होगी उसमें तो पांच हीरो आ रहे होंगे कैप के, इधर मेरा एक हीरो होगा रेंज का जो उसको संभाल रहा होगा फ्रंट लाइन में, तो थोड़ा सा डैमेज आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको पता चल गया कि कैप रैली आ रही है, अगर आपके पास टाइम है काउंटर करने का, तो आप क्या करें कि एक मतलब आप कोई भी हीरो निकाल लें, चाहे मैंने ये निकाल दिया, तो यहाँ पर जाकर आप रेंज का लगा सकते हो। अगर अब क्या हुआ, आपके पास दो रेंज के हीरो हो गए, ठीक है, तो आपका जो स्क्वाड अटैक होगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ज़्यादा हो गया, तो आपको डैमेज भी कम मिलेगा और आप एनिमी की ट्रूप को जल्दी डैमेज कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल रूप पे समझाता हूँ। ये देखो, मैंने अब टेस्ट किया था, देखो एक साइड पे मैंने इवन ट्रूप्स रखी 2000 2000 2000, ठीक है, एंड मैंने जो हीरो डाले हुए हैं देखो क्या है, दो मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे इन्फेंट्री के हीरो, दो मैंने डाले हुए हैं रेंज के एंड एक कैवलरी का, ठीक है। जब मैंने अपने दूसरे काउंट से अटैक किया
कैप के साथ मैंने टैग किया था, ठीक है, 5000 टूप के साथ। तो देखो मुझे कितना डैमेज हुआ, 946, ठीक है। याद रहे दो मैंने डाले हुए हैं इन्फेंट्री के, दो डाले हुए हैं रेंज के। यही मैंने एग्जांपल लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका टाइम ख़राब चल रहा है तो एनिमी ने आपको काउंटर कर लिया, उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन हो तो आप इजीली उसको काउंटर कर सकते हो, ठीक है। उसकी एग्जांपल नहीं ली मैंने, मैंने वर्स्ट केस की एग्जांपल ली है, ठीक है। अब देखो ये मेरा कितना डैमेज हुआ था, 946, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने वो था कैब का जो इन्फेंट्री का जो हीरो था, इसमें देखो पिछले वाले में दो मेरे पास इन्फेंट्री के हीरो थे ना, अब मैंने क्या किया एक इन्फेंट्री वाला हीरो निकाल लिया, ठीक है। देखो दो रेंज के हैं, एक इन्फेंट्री का, दो कैब के डाल दिए, ठीक है। अब देखो डैमेज कितना हुआ, 976। मेरा डैमेज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डैमेज हुआ ना, इसी वजह से डैमेज हुआ कि पहले जो मेरे फ्रंट लाइन में जो मेरे हीरोज थे, दो स्कोर वाले हीरो संभाल रहे थे, दो हीरो संभाल रहे थे मेरी पूरी स्कोर को, ठीक है। अब बट इसमें देखो सेकंड वाले में, इसमें सिर्फ मेरा एक इन्फेंट्री का हीरो संभाल रहा है ये 2000 ट्रूप्स को, तो एक इन्फेंट्री का हीरो इतनी ट्रूप्स को मतलब लीड नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एक ही स्कोर मिलेगी। अगर एक हीरो है इसमें देखो, उसको एक स्कोर मिलेगी, बाकी जो तीन जो स्कोर होगी उसके पास कोई भी अपना लीडर नहीं होगा या हीरो नहीं होगा, आप ऐसा कह सकते हो। बिना कमांडर के जो ट्रूप्स होती हैं तो इतना डैमेज नहीं दे पाती, इसी वजह से आपको डैमेज ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बैटल में भी दिखाता हूँ कि जो ये 200% वाला स्कोर होता है कब काम आता है। देखो ये बैटल स्टार्ट होगी, इसमें जब हीरो स्पेशल पावर के साथ मारेंगे, देखो आपको दिखाता हूँ, अभी तो बैटल चल रही है, ये देखो, ये देखो अब मारा था ना इन्होंने, ये 200% स्क्वाड अटैक अपना यूज़ कर रहे हैं एनिमी की ट्रूप्स के ऊपर। जितने ज़्यादा आपके फ्रंट लाइन में स्क्वाड को संभालने के लिए हीरोज होंगे उतना ही आपको डैमेज कम मिलेगा। तो ये का ये बात होगी कि रैली डिफेंड करते के टाइम आपको कौन से हीरो वोल्ट पे रखने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो अगर आप इन्फेंट्री फ्रंट वाले रैली ट्रैप हो तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, दो इन्फेंट्री के आपको फ्रंट में डालने पड़ेंगे जैसा मैंने डाला हुआ है, एंड बाकी के जो आप रेंज डाल सकते हो दो एंड एक कैवलरी का डाल सकते हो। अगर आप रेंज वाले रीइंफोर्स ट्रैप हो तो आपको दो फ्रंट में डालने पड़ेंगे रेंज के, चाहे आप इन्फेंट्री का कम कर दो या कैब का कम कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आपके पास आर्मी अटैक वाले हैं पांचों हीरो, पांचों के पांचों आप कैवलरी के लगा दो फ्रंट में तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। ये चीज़ भी मायने रखती है कि जो हीरो है कौन सी स्क्वाड का होता है। देखो सबके हीरो के सामने लिखा होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शील्ड बनी हुई है मतलब ये इन्फेंट्री का हीरो है, एंड यहाँ पे देखो आर्चर बनी हुई है मतलब ये रेंज का हीरो, एंड जिस पे हॉर्स बना हुआ है ये कैवलरी का हीरो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एंड बस, एंड एक बात हो, जो लोग वंडर्स वॉर करते हैं उसमें देखा गया है कि जो अपने कॉम्प के साथ लड़ते हैं 442 या 424, 947, 848 जो भी हो गया, 749 हो गया, उसमें भी ये हीरो का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप कौन से हीरो डाल रहे हैं उसमें, एक भी हीरो इधर उधर का हो गया तो आपको आपको इतना ज़्यादा लॉस होगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना है, एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप 442 खेल रहे हो उसमें देखो आपका रेंज एंड इन्फेंट्री का अटैक ज़्यादा होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कैवलरी के दो तीन हीरो डाल दोगे। मान लीजिए आपको 442 कर रहे हो तो आपने ये लोर रिवर डाल दिया, ये रोज नाइट डाल दी, तो ये काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एंड बस यही था वीडियो में, इस वीडियो का हम अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोचेंगे कौन सी वीडियो बनानी है नेक्स्ट में, तो यही है गाइस इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।